अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हमने जो टॉपिक करना है वो है मोशन ऑफ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स, और ये शैरोडिंगर वेव इक्वेशन की ही एक एप्लीकेशन है। हमने शैरोडिंगर वेव इक्वेशन का टॉपिक हमने कर लिया है, तो ये उसी की ही एक एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस क्या है। तो इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि ये हम क्वांटम मैकेनिक्स में हमने काफ़ी दफ़ा ये बात की है कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो इनर्जी होती है वो क्या होती है, वो क्वांटाइज्ड होती है। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आएगी उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि जो पार्टिकल्स होते हैं माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जिनमें प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स एटम्स वगैरह आ जाते हैं, तो उनकी हमें उस इक्वेशन से आइडिया हो जाएगा कि इन जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं इनकी एनर्जी क्या है। इनकी एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, अनलाइक क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स में ऐसा नहीं होता। क्लासिकल मैकेनिक्स में जो पार्टिकल्स की एनर्जी होती है वो क्वांटाइज्ड नहीं होती, बल्कि पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, मूविंग पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसके अकॉर्डिंग ही हम उनकी एनर्जी जो है वो कुछ भी उसकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो हम हासिल कर सकते हैं। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसा नहीं होता। क्वांटम मैकेनिक्स में जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, एनर्जी की कुछ वैल्यूज़ जो होती हैं वो फिक्स होती हैं, उनके अलावा हम एनर्जी की कोई भी वैल्यू जो है वो हम हासिल नहीं कर सकते। तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद ये साबित करेंगे कि किस तरह से पार्टिकल्स की जो एनर्जी होती है वो क्वांटाइज्ड होती है। तो आपने ये भी बात माइंड में रखनी है कि ये जो हम अभी टॉपिक करने लगे हैं, ये जो टॉपिक है ये सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की मूवमेंट को बताता है। और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स में हमारे पास क्या आते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, प्रोटॉन्स आते हैं, एटम्स यानी कि बहुत छोटे पार्टिकल्स जो हमें नज़र नहीं आते, ये उनके लिए है। तो हम अभी उसको प्रूव करेंगे कि किस तरह से क्वांटम मैकेनिक्स में जो पार्टिकल्स की एनर्जी होती है वो किस तरह से क्वांटाइज्ड होती है। तो हम इसको स्टार्ट करेंगे शैरोडिंगर वेव इक्वेशन से, क्योंकि ये शैरोडिंगर वेव इक्वेशन की ही एक एप्लीकेशन है, इसलिए हम इसको शैरोडिंगर वेव इक्वेशन से ही स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखी है शैरोडिंगर वेव इक्वेशन, डेल डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ओवर एच स्क्वायर। यहाँ पे एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। ई माइनस वी साई इज इक्वल्स टू 1। ये क्या है हमारे पास, ये शैरोडिंगर वेव इक्वेशन है। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे ये जो एक्स है ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि हमारी जो वेव है हमने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है अलोंग एक्स एक्सिस के। ठीक है, हमने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है लॉन्ग एक्स एक्सिस की, और हमने उसकी वाई एक्सिस पे और जी एक्सिस पे उसकी जो मूवमेंट है वो हमने जो है वो इग्नोर कर दिया। अभी हम ये इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो हम ये साबित करेंगे कि किस तरह से जब पार्टिकल एक डायमेंशनल बॉक्स में मूव करते हैं तो उनकी एनर्जी जो है वो किस तरह से क्वांटाइज्ड होती है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने एक मूविंग पार्टिकल यहाँ पर लिया है, हमने क्या किया है कि उसकी जो मूवमेंट है वो हमने क्या कर दी है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस कर दी है। ठीक है, ये मूविंग पार्टिकल है, ये मूव कर रहा है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और यहाँ पे हमने एक फ्रिक्शनल वॉल्स बनाई हैं, यानी कि हमने फर्जी दीवारें बनाई हैं, जिसका क्या मतलब है कि ये जो पार्टिकल है ये इन दीवारों को पार करके बाहर नहीं जाएगा, यानी कि इस बॉक्स के अंदर ही उसकी मूवमेंट होगी, वो इसी बॉक्स के अंदर रहेगा। तो ये जो दीवारें हैं इनकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वी, वो क्या है, इनफाइनाइट है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा है, और इस पार्टिकल की जो बॉक्स के अंदर पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, ज़ीरो, यानी कि इसके मुकाबले में इसकी जो पार्टिकल की इन दीवारों के मुकाबले में जो पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, वो ज़ीरो है, और इस मूविंग पार्टिकल की इस बॉक्स के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम है, यानी कि वो अपनी मर्जी से इधर उधर इस पूरे बॉक्स में मूव कर सकता है बगैर किसी अट्रैक्शन के, बगैर किसी रिपल्शन के, ये फ्रीली मूव कर सकता है क्योंकि यहाँ पे कोई और पार्टिकल नहीं है जिसकी वजह से इसकी ना तो किसी के साथ अट्रैक्शन होगी और ना ही किसी के साथ रिपल्शन होगी, इसलिए ये फ्री मूव करेगा, जिसकी वजह से इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी, और इन दीवारों की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा है इसके मुकाबले में, जिसकी वजह से ये जो पार्टिकल है ये इनको पार नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पास इतनी एनर्जी नहीं है, इनफाइनाइट एनर्जी नहीं है इसके पास। अगर इसके पास इतनी एनर्जी होती तो इसको पार करता है, इसलिए ये क्या करेगा कि ये पार्टिकल इसी के अंदर ही मूव करेगा, इसको पार करके बाहर नहीं जाएगा, जिसकी वजह से
पार्टिकल को यहाँ पे पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होगी हमारे पास इस दीवार के पार, वो क्या होगी, वो ज़ीरो होगी। और इस साइड पे भी पार्टिकल को पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, ज़ीरो होगी। लेकिन इसके अंदर पार्टिकल को पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, वो मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पे हमने इनको नाम दिए हैं डिस्टेंस, यहाँ पे एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो डिस्टेंस का नाम हमने दिया है, यहाँ पे एक्स हमने किसके इक्वल कर दिया है, एल का, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ ये पार्टिकल क्या करेगा, मूव करता है, और यहाँ पे साई किसके इक्वल है, ज़ीरो के, और यहाँ पे भी साई ज़ीरो के, क्योंकि यहाँ पे और यहाँ पे पार्टिकल के पाए जाने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि ये इन दीवारों को पार नहीं कर सकता। तो अब हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमने यहाँ पे लिखी है, डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एट पाई स्क्वायर एम ओवर एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। तो उसके बाद हमने यहाँ पे देखा था कि v जो पोटेंशियल एनर्जी है मूविंग पार्टिकल की, वो किसके इक्वल है, वो ज़ीरो के इक्वल है। तो हम इस ये जो इक्वेशन हमने लिखी है, यहाँ पे हम v की वैल्यू क्या पुट करेंगे, v की वैल्यू हम पुट करेंगे ज़ीरो। तो हमारे पास यहाँ पे ज़ीरो हमने लिख दिया, और इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आएगा, ये वाली इक्वेशन हमारे पास आएगी, क्योंकि ज़ीरो जब साई के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आ जाएगा, ज़ीरो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इस ज़ीरो को नहीं लिखा, हमने सिर्फ ई और साई का मल्टीप्लाई हमने लिखा है। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई, डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एट पाई स्क्वायर एम ओवर एच स्क्वायर ई साई इज इक्वल्स टू ज़ीरो। उसके बाद यहाँ पे ये जो इतना फैक्टर है, इसको हमने क्या ले लिया, ये हमने फर्ज कर लिया कि ये क्या है, एक कॉन्स्टेंट है, जिसको हमने किसका नाम दे दिया, लैम्डा स्क्वायर का। ये हमने क्या कहा कि ये कॉन्स्टेंट है, हमने इसको कॉन्स्टेंट इसलिए लिखा क्योंकि अगर हम ये पूरी इसी तरह से इक्वेशन लेते हैं तो हम उसको अच्छी तरह से सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए हमने इतना जो फैक्टर है इसको हमने फर्ज कर लिया कि ये क्या है, एक कॉन्स्टेंट है। तो कॉन्स्टेंट हमने कौन सा लिखा है, लैम्डा स्क्वायर। तो लैम्डा स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, एट पाई स्क्वायर एम ओवर एच स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ई, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन टू का, ये हमारे पास लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू है। उसके बाद बाई पुटिंग कॉन्स्टेंट वी गेट, उसके बाद हम इस लैम्डा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे इस पूरे फैक्टर की जगह पे हम क्या लिख देंगे, लैम्डा स्क्वायर लिख देंगे, और बाकी इक्वेशन हमारे पास एज इट इज़ आ गई, डी स्क्वायर साई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर साई इज इक्वल्स टू ज़ीरो। इसको हमने इक्वेशन थ्री का नाम दे दिया। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि हमने इसको स्क्वायर क्यों लिखा है, हम लैम्डा भी लिख सकते थे, लेकिन हमने इसको लैम्डा स्क्वायर क्यों लिखा है, तो है लैम्डा स्क्वायर हमने इसलिए लिखा है क्योंकि ये इक्वेशन की अगर हम इस साइड पे देखें तो यहाँ पे क्या है, ये डबल सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल है। तो इसको हमें इक्वल करने के लिए हम यहाँ पे हमें स्क्वायर लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम सिंगल लैम्डा लिखेंगे तो वो इक्वेशन जो है वो ठीक नहीं होगी, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया, इसका स्क्वायर लिया है। लैम्डा हमने कॉन्स्टेंट लिया है तो इसकी जगह पे हम कोई भी कॉन्स्टेंट लिख सकते हैं, ए बी सी एक्स वाई जी कोई भी हम कॉन्स्टेंट लिख सकते हैं, लेकिन उस कॉन्स्टेंट का जो है वो हम स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि इक्वेशन के इस साइड पे क्या है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल है। तो उसको हमें इक्वल करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे इसका, ठीक है। तो यहाँ ये इक्वेशन हमारे पास आ गई, इसको हमने इक्वेशन थ्री का नाम दे दिया। उसके बाद हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने के तीन तरीके हैं, एक तो ये कि हम इसको सिंपली सॉल्व कर सकते हैं, सेकंड ये कि हम इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स ले सकते हैं, और थर्ड ये कि हम इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ले सकते हैं। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में जो मोस्टली इक्वेशंस होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड होता है वो क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म लेते हैं हम इक्वेशन की। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म ली है इक्वेशन की, और वो उसको हमने इस तरह से लिख दिया, साइज इक्वल्स टू ए साइन लैम्डा एक्स प्लस बी कॉस लैम्डा एक्स, ठीक है। अब बच्चे इस इक्वेशन से परेशान हो जाते हैं कि ये इक्वेशन कहाँ से आई है, तो ये इक्वेशन जो है जब हम इसको सॉल्व करेंगे जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये ही वाली इक्वेशन आएगी, यानी कि इसकी हमने क्या लिखी है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म लिखी है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यही इक्वेशन आएगी। तो यहाँ पर मैं आपको ये जो है ये इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो ये हमने उसकी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म लिखी है इक्वेशन थ्री की, साई इज इक्वल्स टू ए साइन लैम्डा एक्स प्लस बी कॉस लैम्डा एक्स। तो हम इसका क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन लेंगे, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी साई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये कॉन्स्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा क्योंकि कॉन्स्टेंट का जो होता है डिफरेंशिएशन वो हमारे पास वैसे ही आ जाता है। तो लैम्डा बाहर आ गया, और उसके बाद साइन का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, वो कॉस होता है। तो ये हमारे पास आ गया ए कॉस लैम्डा एक्स प्लस
और कॉस का जो डेरिवेटिव होता है माइनस साइन। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये वैसे ही ये कॉन्स्टेंट है लेमडा, ये बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस लेमडा बी साइन लेमडा एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला लेमडा और ये वाला लेमडा दोनों सेम है, तो ये हमने क्या ले लिया, ये हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, और बाकी इक्वेशन हमारे पास वैसे ही आ गई, ए कॉस लेमडा एक्स माइनस बी साइन लेमडा एक्स। अब हम इसका क्या करेंगे, अब हम इसका दोबारा से डेरिवेटिव लेंगे। दोबारा से जब हमने डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास क्या आया, डी स्क्वेयर साई ओवर डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू लेमडा एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि ये क्या है कॉन्स्टेंट है। उसके बाद जब हम कॉस का हमें पता है कि डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन, तो ये कॉन्स्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा लेमडा माइनस लेमडा ए साइन लेमडा एक्स माइनस, और साइन का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है कॉस होता है, तो ये क्या आ गया माइनस लेमडा, ये कॉन्स्टेंट है लेमडा बाहर आ जाएगा, लेमडा बी कॉस लेमडा एक्स। यहाँ पे हमने ये वाला लेमडा और ये वाला लेमडा हमने क्या ले लिया कॉमन ले लिया, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया माइनस लेमडा, एक ही लेमडा था और यहाँ से एक लेमडा हमने क्या लिया कॉन्स्टेंट लिया, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस लेमडा स्क्वेयर, और बाकी इक्वेशन हमारे पास एज इट इज आ जाएगी, ए साइन लेमडा एक्स प्लस बी कॉस लेमडा एक्स। अब ये वाली जो वैल्यू है ये देखिए ये किसके इक्वल है, ये साई के इक्वल है, तो इस पूरी की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे साई, क्योंकि ये किसके इक्वल है, यहाँ पे हमने देखा साई के इक्वल, तो यहाँ पे हम इसकी जगह पे क्या पुट कर देंगे साई माइनस लेमडा स्क्वेयर साई आ गया। उसके बाद जब हम इसको इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये माइनस है, वहां जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो हमारे पास क्या आ जाएगा डी स्क्वेयर साई ओवर डी एक्स स्क्वेयर प्लस लेमडा स्क्वेयर साई इज इक्वल्स टू जीरो। तो इस इक्वेशन को जब हमने सॉल्व किया है तो हमारे पास वही सेम इक्वेशन आ गई है इक्वेशन थ्री। यही इक्वेशन फोर को हमने सॉल्व करना है। ठीक है, इक्वेशन फोर को किस तरह से सॉल्व करना है, पहले हम अपनी ये जो बाउंड्री कंडीशन है, ये वाली जो मैंने बाउंड्री कंडीशन लिखी है, इनको हमने बारी बारी अप्लाई करना है। पहले हम ये वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे जिसमें एक्स किसके इक्वल था जीरो और साई किसके इक्वल था जीरो, तो ये इनकी जो वैल्यूज हैं ये वही हम क्या करेंगे इक्वेशन फोर में पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा साई साई की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया जीरो, क्योंकि साई की वैल्यू क्या है जीरो, ए साइन लेमडा एक्स की जगह पे जीरो, यहाँ पे भी एक्स की जगह पे जीरो, तो जब ये जीरो से ये लेमडा मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जीरो, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा जीरो, और साइन जीरो जो होता है वो इक्वल होता है जीरो के, और कॉस जीरो जो होता है वो इक्वल होता है वन के। ठीक है, कॉस जीरो इक्वल होता है वन के, और वन जब बी से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बी। ठीक है, जीरो यहाँ पे भी जीरो रह जाएगा क्योंकि साई की वैल्यू क्या थी जीरो, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं बी इज इक्वल्स टू जीरो। तो ये जो बी की वैल्यू आई है इसको हम दोबारा से क्या करेंगे इक्वेशन फोर में पुट करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा साई इज इक्वल्स टू ए साइन, ये हमने इक्वेशन फोर लिखी है। ठीक है, इक्वेशन फोर में हमने क्या करना है, हमने बी की वैल्यू जीरो पुट करनी है, तो यहाँ पे हमने बी की वैल्यू क्या की पुट कर दी जीरो, तो जब जीरो इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा फैक्टर क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा जीरो, और बाकी हमारे पास इक्वेशन क्या रह गई साई इज इक्वल्स टू ए साइन लेमडा एक्स, इसको हमने किसका नाम दे दिया इक्वेशन फाइव का। ठीक है, उसके बाद ये अभी हमने क्या किया था, हमने अपनी अभी फर्स्ट कंडीशन अप्लाई की थी, फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन, अब हमने क्या करना है अपनी सेकेंड बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करनी है जिसमें एक्स किसके इक्वल है एल के और साई किसके इक्वल है जीरो के। अब हम इक्वेशन फाइव में पुट करेंगे अपनी सेकंड जो बाउंड्री कंडीशंस हैं जिसमें एक्स किसके इक्वल है एल के और साई किसके इक्वल है जीरो के, तो हमारे पास क्या आएगा साई की जगह पे हमने जीरो पुट किया और ए साइन लेमडा एल एक्स की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया एल एक्स, डिस्टेंस किसके इक्वल था एल के। ठीक है, अब इसका मतलब है कि ये पूरा फैक्टर किसके इक्वल है जीरो के, क्योंकि साई की वैल्यू क्या हमने पुट कर दी जीरो, लेकिन जो ए है वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, ए कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो, तो हम इसको क्या लिख देंगे ए इक्वल नहीं है जीरो के, तो ये जो बाकी सारा फैक्टर है ये किसके इक्वल होगा जीरो के इक्वल होगा साइन लैम्डा, ये वाला साइन लैम्डा एल इज इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ पे ये जो लैम्डा एल है ये इक्वल होता है एन पाई के, और यहाँ से हम लैम्डा की इस इक्वेशन से हम लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, लैम्डा इक्वल है एन पाई एल को, हम इधर ले जाएंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे क्या हो जाएगा आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई लैम्डा की, लेकिन पीछे हमने देखा था कि हमने क्या लिया था लैम्डा स्क्वायर लिया था इक्वेशन में, तो यहाँ पे भी हम इसका क्या करेंगे हम इसका स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, तो जब हमने इसका स्क्वायर लिया तो हमारे पास क्या आ गया लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर, इस पूरी इक्वेशन का हमने क्या ले लिया स्क्वायर ले लिया। ठीक है, इसको हम इक्वेशन सिक्स का नाम दे देते हैं। अब ये वाली इक्वेशन और इक्वेशन जो टू थी जिसमें लैम्डा की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी लैम्डा स्क्वायर की, उन दोनों को हम क्या करेंगे कंपेयर करेंगे, क्योंकि इक्वेशन के दोनों
साइड पे क्या है लैम्डा स्क्वायर, तो दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे आपस में कंपेयर करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8 पाई स्क्वायर एम ओवर एच स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई ई इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर पाई स्क्वायर ओवर एल स्क्वायर। तो यहाँ से इस इक्वेशन से हम क्या करेंगे इनर्जी की, ये जो मूविंग पार्टिकल है उसकी इनर्जी हम निकालेंगे, ठीक है। उसकी इनर्जी किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, ई इज इक्वल्स टू एन, ये जो पाई स्क्वायर है और पाई स्क्वायर ये आपस में कट जाएंगे और बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा एन स्क्वायर, ये एच यहाँ है तो इनकी क्या हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ चला जाएगा इसके साथ एन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर एट, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हुई है तो यहाँ से एट और एम यहाँ इस एल स्क्वायर के साथ आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ नीचे क्या आ जाएगा एट एम एल स्क्वायर। तो ये जो वन डायमेंशनल बॉक्स में मूविंग पार्टिकल था उसकी इनर्जी जो है वो हमने इस तरह से फाइंड आउट कर ली है, ठीक है। ये उसका क्या आ गया है एक फाइनल इक्वेशन आ गई है मूविंग पार्टिकल की इन वन डायमेंशनल बॉक्स में। अब इस इक्वेशन को देखें कि ये किस पे डिपेंड कर रही है, ये डिपेंड कर रही है एन स्मॉल एन, स्मॉल एन हम किसको कहते हैं, ये होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है उसकी वैल्यूज जो होती हैं वो हमेशा वन से स्टार्ट होती हैं, वो उसकी वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होती, जिसका मतलब है कि ये जो इनर्जी है ये कभी भी जीरो नहीं हो सकती, ये क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की जो वैल्यूज होती हैं वो हमेशा वन से स्टार्ट होती हैं, 1, 2, 3, 4 टू इनफाइनाइट, ठीक है। वो जीरो कभी भी नहीं होती और ना ही कोई डेसिमल्स होगा, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, जो एन की वैल्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे और वन से स्टार्ट होगी। तो इसी तरह से अगर हम ई वन यानी कि अगर जो इलेक्ट्रॉन है वो फर्स्ट ऑर्बिट में है तो उसके लिए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर हम इसकी वैल्यू पुट करें तो हमारे पास इनर्जी क्या हो जाएगी एच स्क्वेयर ओवर एट एम एल स्क्वेयर। इसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकेंड ऑर्बिट में है तो उसके लिए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, उसके लिए एन की वैल्यू टू हो जाएगी। तो ये पूरा जो फैक्टर है ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये टू से मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद अगर कोई इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में है तो उसके लिए हम जो लिखते हैं एन की वैल्यू वो क्या लिखते हैं, थ्री। एन की वैल्यू जो थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होगा उसके लिए एन की वैल्यू क्या होगी, थ्री होगी। तो ये जो पूरी पूरा फैक्टर है ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, थ्री का स्क्वायर है तो ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, नाइन से। तो हमारे पास इनर्जी की क्या वैल्यू आ जाएगी, नाइन एच स्क्वेयर ओवर एट एम एल स्क्वेयर। इसी तरह से अगर कोई इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट में है तो फोर हम एन की वैल्यू क्या लेंगे, फोर, और ये जो पूरा फैक्टर है ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 16 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या जो है वो रिजल्ट हम अहस करते हैं, तो इन सबको देखने के बाद हमने ये रिजल्ट अहस किया है कि जो किसी भी जो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होते हैं वन डायमेंशनल बॉक्स में उनकी जो इनर्जी होती है वो क्या होती है, वो क्वांटाइज्ड होती है। वो क्या हो सकती है, वो सिंगल टाइम हो सकती है, यहाँ पे हमने देखा वो सिंगल टाइम हो सकती है, वो फोर टाइम हो सकती है, वो नाइन टाइम हो सकती है, वो 16 टाइम हो सकती है, उसके बाद वो 25 टाइम्स हो सकती है, 36 टाइम्स हो सकती है, एंड सो ऑन। और इनके बीच की जो वैल्यूज़ हैं वो इनर्जी के लिए कभी भी नहीं हो सकती। तो यहाँ से हमने ये साबित किया कि क्वांटम मैकेनिक्स में जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी एनर्जी क्या होती है, वो क्वांटाइज्ड होती है, वो कंटिन्यूअस नहीं होती। और वो हमने यहाँ पे उसको प्रूफ भी कर दिया है कि किस तरह से जो एनर्जी होती है वो क्वांटाइज्ड होती है।